अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास बेटा, लास्ट टाइम वी हैड डन द ऑल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 8 लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम 1 to 6। आज हम करेंगे फ्रॉम 7 to 12। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह आपने क्या करना है कि अपने समर पैक 1 से इन क्वेश्चंस को लेना है और बुक ओपन कर उसके ऊपर आपने हाईलाइटर से या पेन से जैसा आपके लिए ईजी हो आपने इन्हें मार्क कर लेना है और इन्हें लर्न करना है डायरी में। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज़ हाउ डज द टैडपोल ब्रीथ, के टैडपोल सांस कैसे लेता है। इसके लिए यू हैव टू मूव टू पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 में सेकेंड जो लाइफ साइकिल का ब्लॉक है उसकी लास्ट लाइन है बेटा, इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स, कि ये सांस किससे लेता है, अपने गिल्स की मदद से। इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, वट इज़ मेटामॉर्फिसिस, के मेटामॉर्फिसिस क्या होता है। ठीक है, वट इज़ मेटामॉर्फिसिस, इसके लिए आप देखें पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पर लास्ट पैराग्राफ जो फिश के लाइफ साइकिल के नीचे है, वहाँ पर जहाँ से मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करें और आपने सिर्फ यही वर्ड्स को मार्क करने हैं और जो एडिशनल वर्ड्स हैं वो आपने साथ एंटर कर लेने हैं। दे चेंज द, दे नहीं आएगा, आपने सिर्फ द को हाईलाइट करना है, वाय को कट कर दें। द चेंज इन द अपेयरेंस अलोंग विद द बॉडी स्ट्रक्चर व्हेन एनिमल्स पास थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मैं दोबारा से बता रही हूँ बेटा, द चेंज आप लगा लें इन अपेयरेंस अलोंग विद द बॉडी स्ट्रक्चर व्हेन एनिमल्स पास थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज नोन मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, के रिप्रोडक्शन क्या होती है। इसके लिए आप लोग बेटा फर्स्ट पेज पर आ जाएं, फर्स्ट पेज पर जो साइड पर इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स है डू यू रिमेंबर वाला, उसकी थर्ड लाइन से स्टार्ट करें। दिस इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स एंड बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। This is the process by which plants and animals, including humans, make copies of themselves. ठीक है, Now look at the question number 10. How many parent cells are required for the reproduction by joining of two cells? के कितने parent cells जो हैं वो required होते हैं जब दो cells की मदद से reproduction होती है। इसके लिए भी बेटा आप first page open फर्स्ट पेज जब आप ओपन करेंगे तो लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, दिस रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स, स्पर्म मेल एंड फीमेल एग। आप देख रहे हैं मैंने 10 का मार्क किया हुआ है, पेज नंबर 39 की जो लास्ट टू लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन, दिस रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल स्पर्म एंड फीमेल एग। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी वेज ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द स्पर्म एंड एग, के रिप्रोडक्शन के कितने वेज हैं जब स्पर्म और एग दोनों मिलकर जो है वो रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो इसका मैं आपको वर्बली भी बताती हूँ और फिर मैं यहाँ पर मार्क भी करवाती हूँ कि दो वेज हैं बेटा, एक तो बाय लेइंग एग, के एग देते हैं जो बर्ड्स होते हैं और फिर उनकी एक हैचिंग होती है और एनिमल को जो है वो बर्थ दे दी जाती है, और एक होता है कि दे गिव बर्थ टू द बेबीज, कि वो डायरेक्ट बेबीज़ को बर्थ देते हैं। तो इसके लिए भी आप आ जाएं बेटा पेज नंबर 40 पर आ जाओ आप, पेज नंबर 40 पे चिक के लाइफ साइकिल से ऊपर वाले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, देर आर टू वेज इन विच एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द स्पर्म एंड द एग। ठीक है, एज यू कैन सी हियर पेज नंबर 40 पर एग वाली सॉरी जो चिक वाली आपके पास हेन का लाइफ साइकिल है, उस ऊपर वाले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द स्पर्म एंड द एग। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड लास्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी पेरेंट सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन बाय द सिंगल सेल, कि सिर्फ जब एक सेल से रिप्रोडक्शन हो रही है तो कितने सेल्स पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। इसके लिए आप आ जाओ बेटा पेज नंबर 1 पर, सॉरी पेज नंबर 31 जो फर्स्ट पेज है, और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं सॉरी बेटा मैं आपको बताती हूँ अभी, हाँ पेज नंबर 1 पर आप इसे खुद मेंशन कर लेंगे। पेज नंबर 1 पर आप इसे खुद मेंशन करेंगे तो आप लिखेंगे ओनली सिंगल सेल इज़ रिक्वायर्ड,
कि जब सिंगल सेल पेरेंट्स सिंगल सेल से रिप्रोडक्शन होती है तो कितने पेरेंट सेल रिक्वायर्ड होते हैं, ओनली सिंगल, आप यहाँ पर पेरेंट भी ऐड कर सकते हैं, ओनली सिंगल पेरेंट सेल इज़ रिक्वायर्ड। और आप कहीं पर भी आंसर खुद लिख कर तो साथ मेंशन कर लें कि ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। आई एम रिपीटिंग, ओनली सिंगल पेरेंट सेल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ओरल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 8, लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स। आपको ये समर पैक 1 में मिलेंगे, आपने इन्हें मार्क करना है अच्छे तरीके से और लर्न करना है। ओके, सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।